दोस्तों आईपीएल 2022 शुरू होने से पहले केके टीम की डे 3 प्रैक्टिस खत्म हो चुकी है और डे 3 में केके प्लेयर्स हेड कोच ब्रैंडन मैकुलम को साथ लेकर प्रैक्टिस किए हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रैंडन मैकुलम क्वारंटीन खत्म करके सीधा प्रैक्टिस कैंप को ज्वाइन किए हैं और आप लोगों को बता दूं केके टीम की सबसे खतरनाक प्लेयर आंद्रेसल भारत पहुंच चुके हैं और अभी रूम क्वारंटीन पर है। तो दोस्तों नीतीश राणा के बाद अब आंद्रेसल भी कुछ अलग ही हेयर स्टाइल में दिखे और 5 दिन क्वारंटीन खत्म करके केके कैंप को ज्वाइन करने वाले है। दूसरी तरफ दोस्तों वेंकटेश अय्यर का आज 3 दिन क्वारंटीन खत्म होने वाला है, बहुत ही चांसेस है आज भी इनकी प्रैक्टिस कैंप को ज्वाइन करने वाले है। अब लोगों को बता दूं नीतीश राणा, अजिंक्य रहाणे और रिंकू सिंह को अलग ही अंदाज में प्रैक्टिस करते हुए देखा गया है। विदेशी सलामी बल्लेबाज एरोन फिंच के जगह शुरुआती मैचेस में विंकी के साथ रहाणे ही ओपन करने वाले हैं। तो दोस्तों हम में से काफी सारे लोग पूछ रहे थे कैप्टन श्रेयस अय्यर कब ज्वाइन करेंगे, तब लोगों को बता दूं श्रेयस अय्यर भी केकेआर होटल ज्वाइन कर चुके हैं जिसका प्रूफ आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों प्रैक्टिस कैंप को छोड़कर एक और बहुत ही बड़ा अपडेट है जो कि है केकेआर की नई जर्सी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द केकेआर अपना नया जर्सी लॉन्च करने वाला है, आज या तो कल मेन जर्सी देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले जर्सी आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगा, तो नीचे लिंक दिया हुआ है, जरूर से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको क्या लगता है कैसा होने वाला है मेन जर्सी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।